क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है जो अपने घोंसले के चारों तरफ जुगनू लटका कर सोता है, लेकिन क्यों? या फिर क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां कुत्ता पालना गैर कानूनी है? क्या आप उस जीव के बारे में जानते हैं जो अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं सोता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर वन, दुनिया भर में हर व्यक्ति के लिए उसका जन्मदिन बहुत ही खास होता है, जिसे वो केक काटकर और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पार्टी करके मनाता है। लेकिन जमैका एक ऐसा देश है जहां जन्मदिन बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मनाया जाता है। इस देश में जिस व्यक्ति का जन्मदिन होता है उसके सिर पर आटा फेंकने का रिवाज है। प्राचीन समय में ये रिवाज एक मजाक के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बीते वक्त के साथ ये एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गया। आज भी जमैका के लोग किसी को जन्मदिन विश करने से पहले उसके सिर पर आटा फेंकते हैं और उसके बाद उसे जन्मदिन की बधाई दी जाती है। यानी इस देश में इंसान अपने बर्थडे के दिन ही सबसे ज्यादा गंदा रहता है। फैक्ट नंबर टू, आमतौर पर नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं को सबसे पहले उसका बच्चा दिया जाता है और वो बच्चे को दूध पिलाती है। लेकिन चीन में डॉक्टरों की सलाह के विपरीत एक अजीबो गरीब प्रथा निभाई जाती है, जिसके तहत नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को कम से कम 30 दिनों तक उससे दूर रखा जाता है। इतना ही नहीं, बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को अपने बच्चे समेत पति या किसी रिश्तेदार से भी मिलने की इजाज़त नहीं होती है और ना ही वो 30 दिनों तक नहा सकती है। इस दौरान महिला को एक कमरे में छोड़ दिया जाता है जहां वो 30 दिनों तक स्वस्थ होने के लिए आराम करती है। 30 दिन आराम करने के बाद जब माँ अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाती है तो वो अपने बच्चे समेत पति और रिश्तेदारों से मिल सकती है। फैक्ट नंबर थ्री, स्कूल हो या कॉलेज, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिना नकल किए पेपरों में पास ही नहीं हो सकते हैं। ज्यादातर देशों में एग्जाम में नकल करने पर बड़ी सजा नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे बच्चे के भविष्य पर असर पड़ता है। हालांकि नकल को रोकने के लिए स्टूडेंट्स को पेपर देने से रोक दिया जाता है ताकि वो घबरा कर दोबारा नकल ना करे। लेकिन बांग्लादेश दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां स्कूल के बच्चों को एग्जाम में नकल करने के जुर्म में जेल भेजने का कानून है। इस देश में 15 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को अगर फाइनल एग्जाम में नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें सीधा जेल भेज दिया जाता है। बांग्लादेश में पेपर के दौरान नकल करना जुर्म माना जाता है, इसलिए बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए उन्हें नकल करने पर जेल की सजा सुना दी जाती है। फैक्ट नंबर फोर, अगर किसी व्यक्ति को एथलीट बनना होता है तो उसे रोजाना दौड़ने की प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे में बच्चों से लेकर युवा सुबह और शाम को रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां लोग नंगे होकर सड़कों पर दौड़ते हैं? पूर्वी अफ्रीका में बसा केन्या एक ऐसा देश है जहां रात के समय लगभग 26 लाख लोग नंगे होकर रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। दरअसल इस देश में युवाओं के बीच खेल को लेकर काफी जागरूकता है, इसलिए केन्या में लगभग हर घर में एक एथलीट जरूर पैदा होता है। इसलिए केन्या में लगभग हर घर में एक एथलीट जरूर मौजूद होता है। दरअसल दौड़ते समय शरीर से ज्यादा मात्रा में पसीना निकलता है, ऐसे में कपड़े पहनकर दौड़ने से ध्यान भटकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना कपड़े पहने दौड़ता है तो वो ज्यादा तेजी से दौड़ता है और अच्छा प्रदर्शन करता है। इसलिए अगर आप कभी केन्या जाएं और वहां आपको रात के समय सड़कों पर बिना कपड़ों के लोग दौड़ते हुए दिखाई दें तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि वहां ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। फैक्ट नंबर फाइव, इंसान हो या जानवर, धरती पर मौजूद लगभग हर प्राणी को खाने पीने के साथ साथ पर्याप्त नींद की भी जरूरत होती है। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा जीव भी रहता है जो अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी झपकी नहीं लेता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस जीव का नाम है चींटी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चींटियां अपनी पूरी जिंदगी कभी भी नहीं सोती हैं, क्योंकि उन्हें नींद आने का एहसास ही नहीं होता है। चींटियां बहुत बड़ी कॉलोनी में रहती हैं, इसलिए उन्हें कॉलोनी में रहने वाले सदस्यों के लिए खाना जमा करने, बिल की रक्षा और अंडों की देखभाल करने जैसे अहम काम करने होते हैं, जिसकी वजह से चींटियों को आराम करने या सोने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। अपनी बिजी लाइफ के चलते चींटियों के अंदर नींद वाले तत्व विकसित ही नहीं हो पाते हैं। शायद यही वजह है कि चींटियों को पृथ्वी पर मौजूद सबसे मेहनती जीव माना जाता है, जो बिना सोए सारी जिंदगी काम करती रहती हैं। हालांकि इंसान या किसी दूसरे जीव के लिए बिना सोए काम कर पाना नामुमकिन है, उस स्थिति में इंसान महज 11 दिनों के अंदर मर सकता है। फैक्ट नंबर सिक्स,
आमतौर पर आपने इंसानों को पागल होते हुए देखा होगा, जो बढ़ती उम्र या एक्सीडेंट के कारण होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि कुछ जीव भी पागल हो जाते हैं, जिसमें से एक है बिच्छू। अगर आप बिच्छू के ऊपर कुछ बुने शराब या किसी नशीले पदार्थ का रस डाल देते हैं तो बिच्छू पागल हो जाएगा। दरअसल नशीले पदार्थ के संपर्क में आने से बिच्छू का दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो खुद को ही डंक मारना शुरू कर देता है। ऐसे में शराब के नशे में खुद को डंक मारने की वजह से अक्सर बिच्छू की मौत हो जाती है, क्योंकि उसका शरीर अपने ही जहर को झेल नहीं पाता है। हालांकि किसी जीव पर इस तरह का प्रयोग करना अमानवीय है, इसलिए आप ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में कई तरह के खाद्य पदार्थ मौजूद हैं, जिनका स्वाद, बनावट और पैदावार का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन क्या आप उस खाद्य पदार्थ के बारे में जानते हैं जो सालों साल तक स्टोर रखे जाने के बावजूद भी कभी खराब नहीं होता है? शहद दुनिया में इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हजारों साल तक स्टोर रखे जाने के बावजूद भी कभी खराब नहीं होता है। दरअसल कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को मिस्र के पिरामिडों में बादशाह की कब्र के पास शहद की बोतलें मिली थीं। जब वैज्ञानिकों ने उसे शहद का स्वाद चखा तो वो बिल्कुल ताज़ा और स्वादिष्ट था। हालांकि सालों पुराने शहद को खाने से पहले थोड़ा सा गर्म करने की जरूरत होती है, क्योंकि लंबे समय तक स्टोर रहने की वजह से शहद जम जाता है। आपको बता दें कि शहद जितना पुराना होता है उसका स्वाद और गुणवत्ता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपके घर में भी लंबे समय से शहद स्टोर है तो उसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, बशर्ते वो शहद मिलावटी ना हो। फैक्ट नंबर 8। ये तो हर कोई जानता है कि रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यूरोप में स्थित वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश है, जो 44 हेक्टेयर में बसा हुआ है। साल 2019 की जनगणना के अनुसार इस देश की कुल आबादी 825 है, जहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति वेटिकन सिटी का स्थायी नागरिक नहीं है। वेटिकन सिटी अपनी प्राचीन सभ्यता, इमारतों और गिरजाघरों के लिए मशहूर है, जो दुनिया का सबसे छोटा लेकिन स्वतंत्र देश है, और यहाँ सालाना सैकड़ों लोग घूमने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 9। आमतौर पर हर पक्षी अपने भोजन में छोटे कीड़े मकौड़े खाना पसंद करता है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहता है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है जो अपने घोंसले में जुगनू लटकाकर सोता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फिलीपींस में पाया जाने वाला बाया वीवर नामक पक्षी को प्रकाश बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे में ये पक्षी दिन भर सूर्य की रोशनी से प्रकाश लेता है, लेकिन रात के समय भी इसे प्रकाश चाहिए होता है। इसलिए बोया पक्षी अपने घोंसले के चारों तरफ जुगनू लटका देता है, ताकि रात के समय भी उसे जगमगाता प्रकाश मिल सके। इसलिए बोया पक्षी जुगनू की तलाश करता है और उन्हें अपने घोंसले की घास फूस में फंसा देता है। ऐसे में रात के अंधेरे में जब जुगनू चमकते हैं तो बोया पक्षी का घोंसला रोशनी से जगमगा उठता है। क्या आपने पहले कभी इस तरह के पक्षी के बारे में सुना था? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10। यूं तो हर देश के अपने नियम कानून होते हैं, जिन्हें नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां के नियम कानून सुनने या फॉलो करने में बहुत ही अजीबोगरीब लगते हैं। ऐसा ही एक देश है आइसलैंड, जहां रहने वाले नागरिकों को घर पर कुत्ता पालने की अनुमति नहीं है। दरअसल आइसलैंड में जीव जंतुओं की आज़ादी का खास ख्याल रखा जाता है, इसलिए वहाँ कुत्ते को घर में कैद करके रखना एक तरह का जुर्म माना जाता है। इसलिए आइसलैंड में किसी भी घर में कुत्ता मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि डॉग लवर्स को भी स्ट्रीट डॉग्स को देखकर अपने आप को खुश करना पड़ता है। इस देश में अगर कोई व्यक्ति बिना इजाजत गैर कानूनी रूप से कुत्ता पालता है तो उसे मोटा जुर्माना भरने के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।